देखिए, वजू खाने की हिस्ट्री ये है कि जब माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर साहब ने इस पूरे परिसर का एडवोकेट कमीशन का आदेश दिया था, तो 7 और 8 मई 2022 को यहाँ पे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हुई थी। 14, 15 और 16 मई 2022 को एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हुई थी। 16 मई 2022 को इस सो कॉल्ड वजू एरिया में एक शिवलिंग जो है वो प्रकट हुए थे, सामने आए थे स्पष्ट रूप से, और उसके बाद तुरंत हमने कोर्ट में आवेदन दिया था कि शिवलिंग के एरिया को सील कर दिया जाए। माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन ने 16 मई 2022 को बुधवार बुद्ध पूर्णिमा के दिन सोमवार को सीलिंग का ऑर्डर पारित किया था और वो उसी दिन सील हो गया था। उसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी सीलिंग के ऑर्डर को इंटैक्ट रखा 17 मई 2022 के ऑर्डर से और 20 मई 2022 के ऑर्डर से और 11 नवंबर 2023 के ऑर्डर से वो सीलिंग का ऑर्डर इंटैक्ट रहा। अब इसमें हमने तुरंत एप्लीकेशन दी कि उस वजू टैंक की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जांच कराई जाए, उस शिवलिंग की भी एएसआई द्वारा जांच कराई जाए उसको बिना डैमेज किए हुए। यहाँ पे कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया कि अगर शिवलिंग की जांच होगी तो वो शिवलिंग डैमेज हो जाएगा और हमारे जितने पक्षकार हैं शिवद्रोही हैं, ये सारी बातें यहाँ पर उठाई गई। बहरहाल माननीय न्यायालय ने उसको 14 अक्टूबर 2022 को खारिज कर दिया। उस ऑर्डर के खिलाफ हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए 12 मई 2023 को शिवलिंग की एएसआई जांच के आदेश दे दिए। इस ऑर्डर के खिलाफ जो इस शिवलिंग को फाउंटेन कह रहे थे, इस ऑर्डर के खिलाफ अंजुमन निजामिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2023 को इस पूरे एएसआई जांच के ऑर्डर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के रोक लगा दिए। और अभी जब वजू टैंक में काफ़ी मछलियां मर गई थी तो हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि उसकी साफ़ सफाई की जाए, उसकी क्लीनिंग की जाए। उस साफ़ सफाई के दौरान हमने कोर्ट में ये भी बात रखी थी कि यहाँ पे एएसआई जांच होनी चाहिए और एएसआई जांच पे जो स्टे लगा हुआ है उस स्टे को वेकेट करना चाहिए। माननीय न्यायालय ने हमसे कहा है कि आप इसके लिए अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन उच्चतम न्यायालय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दीजिए, जो हम देने जा रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पे भी एएसआई जांच होगी और ये समझ में आएगा कि वो शिवलिंग है कि फाउंटेन। अब इस समय वजू एरिया सील्ड है, उसमें 8 ताले लगे हुए हैं और जिला प्रशासन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में है और इस समय जो पानी है वो पूरा पानी हटाया जा चुका है, पूरा एरिया साफ और क्लीन किया जा चुका है और उसकी इस समय सुपुर्दगी, उसकी जो कस्टडी है इस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी के पास। अब जो शिवलिंग तथा कह रहे थे आप कि अब वो उसके पूजा पाठ के लिए भी कुछ, पहले तो ये सिद्ध हो कि वो शिवलिंग है। हमारी बहुत ही एक मैकेनिकल और बड़ी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। हम ये मानते हैं कि वो शिवलिंग है, पर जब तक एक एक्सपर्ट बॉडी एएसआई ना कह दे कि वो शिवलिंग है तब तक उसको कैसे तय किया जा सकता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि वो जो वजू टैंक की जो दीवारें हैं उस दीवारों को हटाया जाए और हमारा ऐसा मानना है शिवलिंग काफ़ी नीचे तक गया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फर्स्ट फ्लोर पर हमें मिला था तो ये काफ़ी नीचे तक गया हुआ है, जड़ से निकलता हुआ है शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है और इसका अर्घा भी सारी चीज़ें वहाँ पर आसपास मिलेंगी। तो जब वजू टैंक की दीवारें टूटेंगी तो वो सारी चीज़ें सिद्ध होंगी और उसके बाद जब सिद्ध हो जाएंगी तो उसके बाद तुरंत पूजा का पाठ का अधिकार हमें मिलना चाहिए। अभी एएसआई रिपोर्ट क्या, कब तक उसकी? मैंने आपको बताया कि कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में हम एप्लीकेशन देने वाले हैं उसकी एएसआई जांच के लिए और जल्द से जल्द ऐसी उम्मीद है कि वहाँ पे एएसआई जांच होगी। ये सर अब उसमें जो शिवलिंग है उसकी पूजा पाठ के लिए कोई, मैंने आपको बताया अभी, मैंने आपके इसी सवाल का जवाब दिया कि उसके पूजा पाठ के लिए ऑलरेडी जब ये एएसआई की जांच हो जाएगी तो उसके बाद हम उसकी नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। 1991 से मुकदमा ये चल रहा है, कितना साल हो गया था इस मुकदमा जो कि पेंडिंग था, लेकिन ये जिस तरीके से इतना तेजी से ये आगे बढ़ा है, किस तरीके से ये और आगे जा सकता है? देखिए, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। हम लोग इस केस में, मैं कह सकता हूँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बाद जीत की दहलीज पे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिन हम लोग देख पाएंगे कि जब ज्ञानव्यापी इस इलीगल इंक्रोचमेंट से, इस इलीगल अतिक्रमण से मुक्त होगी और वहाँ पे जितने बाबा के भक्त हैं वहाँ पे वो पूजा पाठ कर पाएंगे। सर, ये वजू खाना क्लियर हो जाए जिस दिन जी, ये शिवलिंग ही है जी, तो मामला ही, हाँ देखिए, मुझे लगता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट जो अभी दाखिल हुई है उससे भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और साथ ही साथ जब वो वजू टैंक का एरिया है उसकी भी जब जाँच हो जाएगी तो और क्लैरिटी आ जाएगी, तो हम लोग उस लीगल कार्रवाई में लगे हुए हैं।